जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का जो हमारा नेक्स्ट क्लास है, देखिए इस क्लास में बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर और बटा में है 0.005 का होल स्क्वायर, 0.041 का होल स्क्वायर प्लस में 0.0073 का होल स्क्वायर। मतलब इस पूरे क्वेश्चंस में देखिए आपको क्या दिख रहा है कि 0.5 दिख रहा है, 4.1 दिख रहा है और 7.3 दिख रहा है। अंतर क्या है सो देखिए, खाली ये 0.05 है और नीचे में 0.005 है। मतलब ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे में 3 अंक, एवं में देखिये 2 अंक, इसमें 3 अंक, इसमें भी 3 अंक और इसमें 4 अंक। मतलब ऊपर में दशमलव के बाद जितना अंक है नीचे में दशमलव के बाद 1 अंक ज्यादा है। ए में देखिए 2 था तो ए में 3 है, एहो में 2 था तो ए में 3 है, ए में कितना है 3 है तो ए में 4 है। इतना का अंतर है सिर्फ और कुछ नहीं है। तो क्या करना है इसके लिए कि एक चीज हम लिखे है कि जिधर कम उधर 1 मतलब 1 और बाकी में जितना गुना हो उतना लिखे। अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आप बेसिक से सॉल्व करने जाइएगा तो पसीना छूट जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, कभी भी एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो इसके लिए इस चीज को आपको याद रखना है। याद भी नहीं रखिएगा तो देखिए हम तो यहाँ आपको नोट्स में लिखने के लिए इस चीज को लिख दिया है कि चलिए आप नोट्स में कम से कम लिख तो सकते हैं ताकि भूल जाएगा तो फिर याद आ जाए। तो जब इस तरह का प्रश्न दिख जाए ऊपर से नीचे वाला जैसा ही है वैसा ही खाली दशमलव का हेर फिर हो तो क्या करना है सो देखिए इस चीज को समझिए। जिधर कम उधर 1 लिखना है तो देखिए कम 0.05 कम है कि 0.005 कम है। तो आप कहिएगा आप ये मैंने कि 0.5 है, 0.05 है, 0.05 है, आगो है 0.005 है, तो कम कौन है, तो कम भाई यही ना है। तो जेकरा में कम रहेगा ओकरा बदला 1 लिखना है। तो देखिए नीचे में ऊपर वाला से कम है कि नहीं है, तो हमको सीधा बात है कि नीचे में जो है 1 लिखना है, नीचे में क्या लिखना है 1 लिखना है, ठीक। बाकी में जितना गुना हो उतना गुना लिखना है। देखिए गुना गुनी कैसे करते हैं, देखिए अब किसी एक को पकड़ लीजिए बतवा वही पड़ जाएगा कैसे। सो देखिए ये 0.05 है और ये 0.005 है, तो ई जो है ई इसका कई गुना है, ई जो है इसका कई गुना है, तो कहेगा कि इसका 10 गुना है। अब 10 गुना कर दीजिएगा तो ई जो है ई 0.05 नहीं हो जाएगा, अरे बिल्कुल हो जाएगा भाई, 0.005 है, आई में हम 10 से गुना करते हैं। तो अब देखिए 10 से गुना करने से क्या हो जाएगा, ये 0 पहले देखिए सीधा समझते हैं ये कितना है, ये हो जाएगा 0, 0 और 5 और 0। अभी देखिए एक बार 10 से गुना करेंगे तो पर 0 आएगा और ये दशमलव के बाद पहले कितना था 3 अंक था, तो अभी भी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए ना, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दशमलव बाद यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, दशमलव के बाद अंतिम में 0 का वैल्यू नहीं होता है, सीधा सा यही ना वैल्यू आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। हाँ तो कई गुना है 10 गुना है, तो क्या लिखे जिधर कम उधर 1 लिखना है, तो नीचे में देख लिए कम था तो 1 लिख दिए, अब बाकी में जितना गुना हो उतना लिखे, तो कई गुना है 10 गुना है तो 10 लिख दिए, ठीक है 10 लिख दिए। अब क्या करना है 100 पर स्क्वायर है तो आप 100 पर स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, नीचे में क्या स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस प्रश्न का सही साधारण आंसर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की तरफ, पैटर्न को पहले फॉलो करने दीजिए। 0.1 का होल स्क्वायर, 0.01 का होल स्क्वायर और उसके बाद है 0.09 का होल स्क्वायर और नीचे में क्या देखिए वैसा ही टाइप का है, 0.1 था ई 0.01 है, ई 0.01 था ई 0.001 है, वो देखिए 0.009 था ई 0.0009 है। तो क्या ऊपर में से दशमलव के बाद 1 था 2 अंक हो गया, इसमें 2 अंक था इसमें 3 अंक हो गया, इसमें 3 अंक था इसमें दशमलव के बाद 4 अंक हो गया, पैटर्न वही ना है। तो आप बताइए कि कौन बड़ और कौन छोटा, मतलब कौन कम है या कौन बड़ है, तो एकरे पकड़िए चाहे एकरे कोई के पकड़िए, 0.09 और 0.30 और 9 है, तो कौन छोटा है भाई, नीचे वाला छोटा है, तो जे छोट होता है ओकरा नीचे हम ओकरा बदले 1 लिख देते हैं और ऊपर में देखिए कई गुना है कोई के पकड़ सकते हैं यहाँ से, आप पकड़ लीजिए इसको 0.09 है आ एगो है 0.009 है, एकरा में आप 10 से गुना कर दीजिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ई जो है कई गुना है 10 गुना है, तो 10 गुना है तो 10 हो जाएगा और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं और रूट चढ़ा गया तो रूट चढ़ा देते हैं और बराबर हो जाएगा, ठीक।
और ई स्क्वायर से ई रूट खत्म हो जाएगा तो सीधा क्या बचाएगा आंसर 10 बच जाएगा, तो इस प्रश्न का सीधा साधारण आंसर 10 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचेगा कि सब जगह देख रहे ऊपर को 10 आया था यही 10 आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते, तीसरा प्रश्न क्या कहेगा देखिए, पैटर्न को देखिए 0.22 ठीक है, 0.11 उसके बाद 0.32 है, नीचे में देखिए अब वो क्या हो गया, ये दो दो है मतलब 22 है, अब 22 का ये 66 है, 11 है, 11 का ये 96, तो 96 से लिखने लेकिन 11 का यहाँ 33 है, आगे पीछे हो सकता है प्लस है कोई दिक्कत नहीं। अब 32 है, अब 32 दिया 96, देखिए क्या हो रहा है, ये 22 जो है 66 कई गुना 3 गुना 11, ये 11 से तो यहाँ वाला का नहीं है वहां वाला का है, 11 गुना 3 गुना 32 96 3 गुना, तीन गुना वाला सिस्टम है 22, ऐसा नहीं कि खाली 10 गुना 20 गुना 100 गुना वाला नहीं, ऐसा हो सकता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ हो सकता है, 22 से 66 3 गुना हो गया, 32 से 96 3 गुना हो गया, 11 से 33 3 गुना हो गया, तो यहाँ 3 गुना हो रहा है। और कम बेसी कौन है देखिए, तो ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज्यादा है, ऊपर वाला 22 है नीचे वाला 66 है, तो नीचे वाला ज्यादा है, तो कम वाला के लिए हम 1 लिखते हैं, मतलब ऊपर कम है तो 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे सो देखिए, आप कई गुना है तो कई गुना है तो 3 गुना है तो 3 लिख देंगे, और इस बार क्यू है, इस बार क्या है आपका क्यू है तो क्यू लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, 1 का बटा 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 3 का क्यू 27। तो इस तरह से इस भी प्रश्न का भी उत्तर आपका आ गया। तो अब इस पैटर्न को फॉलो करने वाला जो भी प्रश्न होगा आप आसानी से बना दीजिएगा, बस आपको क्या याद रखना है कि जिधर कम दिखाई दे ओकरा बदला 1 लिखना है, और जय गुना हो उतना गुना लिखना है, स्क्वायर हो स्क्वायर करना है, नहीं हो स्क्वायर छोड़ देना है, क्यूब हो क्यूब करना है, बात समझ गए। तो इस तरह का जो भी प्रश्न होगा अब आप उम्मीद करते हैं कि बना लीजिएगा। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय।